St. John, we're St. John.
हुसैन के कदम पर लाना है, सो उन पर सलवार भेजने का सवाल कितना है? एक लाख नेकियां ऐड हो जाती हैं और एक लाख गुना माफ हो जाते हैं। और आपको कितना सवाल मिलता है? एक लाख गुलाम आजाद कराने का सवाल है। और चौथी चीज क्या थी? चौथी चीज थी कि भरोसे मैशर आप लोग फाइजीन और मुतमईन लोगों के साथ होंगे। फाइजीन और मुतमईन लोग कौन है? अम्बिया, शहदा, सालिहीन के साथ होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा नबा बिन हलाल के बारे में, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे साथी थे। हजरत नबा बिन हलाल इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथी में से थे। आपने बहुत सी जगह भी लड़ी, आपने फौज को सरदार और बहुत बहादुर थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला रवाना होने के बाद आप इनके दुश्मन में शामिल होते हुए थे। आपने इनके घटना में अच्छी दुश्मनों को फसल नमून किया। आपके बाद तोड़ कर मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सिर्फ थोड़ी सी आपको मेरी कोशिश थी कि आप लोग सोचें कि हम लोगों को वक्त के इमाम के ज़ुहूर में जब हमारी तरफ से कोई छोटा सा अमल भी हमें कई दफ़ा अपने अमल ज़्यादा बड़े नहीं लगते। हम सोचते हैं आया मेरे यहाँ से ये रोड से ये चीज़ उठा के उधर रखने से मेरे वक्त के इमाम को क्या हासिल होगा। नहीं, मेरे छोटे छोटे अमाल ही, मेरी छोटी छोटी नीयतें ही और मेरे छोटे छोटे काम ही मेरे वक्त के इमाम। जब बीबी सकीना शाम के जिंदान में पहुंची हैं तो उन्होंने, बीबी सकीना ने इतना ज़्यादा कर था, हर वक्त रोती थी और अपने बाबा को याद करती थी और कहती थी कि कहाँ है मेरे पापा। और जो जालिम थे उन्होंने बीबी सकीना को शाम के जिंदान अंधेरे में कैद कर दिया था। उनको इतना गुस्सा आता था, जब बीबी सकीना रोती थी इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि क्यों ये मासूम सी बच्ची हर वक्त रोती रहती थी। और बीबी सकीना जो उनसे आया वो उनका सर कभी एक दीवार से लगता था, कभी दूसरी दीवार से लगता था। और वो कहती थी भैया सजा मुझे बताएं प्यास की कौन सा ऐसा मुकाम है। प्यास के तीन मुकाम है, वो भी मौला सज्जाद ने फरमाया प्यास के तीन मुकाम है। बीबी सकीना ने कहा मुझे आखिरी मुकाम बताएं जब प्यास हद से ज़्यादा लगती है। तो मौला सज्जाद ने उनको बताया कि जो प्यास है जब इंसान हद से गुजर जाता है तो उसका जो गोश्त है वो हड्डियों से जुदा हो जाता है।